हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त अश्विन और मैं आ गया एक और नए वीडियो के साथ। गाइस, मैं अपने वीडियो में शॉर्ट वीडियो तो डालता रहता हूँ, पर मैं सोचा कुछ अलग करूँ। तो मैंने अपने सब्सक्राइबर लोग से पूछा कि मैं क्या करूँ अलग। उन्होंने बताया कि लोग बनाओ, आप एक एथलीट पर्सन हो तो आप जो स्टेडियम जाते हो उसका बनाओ। तो मैंने सोचा कि सूरत में एक लाल भाई स्टेडियम जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, सिलेक्शन देते हैं, तो मैं भी उधर जाता हूँ, खेलता हूँ, सिलेक्शन देता हूँ। तो गाइस, वो लाल भाई स्टेडियम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहना, देखते रहना। मैं अभी जा रहा हूँ और आपको स्टेडियम दिखाऊंगा, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या है, कौन कौन से ग्राउंड है और क्रिकेट का और कुछ भी है कि नहीं, तो सब दिखाने वाला। आप बने रहना और अभी हम मैं जा रहा हूँ तैयार होने और मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो सो गाइस, मैं रेडी हो गया और मैं अभी जाने वाला हूँ कि लाल भाई स्टेडियम पे, और मेरा दोस्त अभी रेडी वेट कर रहा है गाड़ी पे और हम गाड़ी पे जाने वाले हैं। गाइस, अभी जाके आपको पूरा बताने वाले कि स्टेडियम कैसा है, क्या क्या चीज़ है। गाइस, मैं पहुंच गया अभी। देख, ये मेरा दोस्त प्रथम यहाँ पे वेट कर रहा है, देख सकते। गाइस, आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और अभी एंट्री मारने वाले हैं, तो आपको पूरा सब दिखाने वाला। आप गाइस, ये जो है मेरा, अब जैसे आप लाल में घुसोगे वैसे ही पहला ग्राउंड निकलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैच चालू है, मैच चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है। अंदर अलाउड नहीं, फिर भी हम अंदर कैसे भी लेके आ गए और आपको दिखा रहे। गाइस देखिए, ग्राउंड भी अच्छा है, बड़ा भी है और बहुत ही सुंदर ग्राउंड है। गाइस देख सकते हो, यहाँ पे स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं और बीट बैट्समैन बीट हो गया है। और ये जो आप देख सकते हो गाइस, पवेलियन है जो बैट्समैन बैठ के आराम कर सकते हैं और मैच देख सकते हैं। गाइस देख सकते हो आप कितना अच्छा सजावट किया है ग्राउंड को, आप पूरा चारों तरफ से सजावट करके पूरा एकदम अच्छा बना है। और ये गाइस कोई मैच नहीं, एक लीग चल रहा है, जैसे IPL होता है वैसे ही PPL है, जिसका नाम है फुल फॉर्म है पंजाब प्रीमियर लीग। गाइस, ये जो इतना बड़ा आप स्तंभ देख रहे हो, कोई स्तंभ नहीं है, ये लॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम से सर से बनाया गया है, जिसका नाम है सुनील गावस्कर है, जो कि बहुत 1980 के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, जिनकी वजह से क्रिकेट इतना फेमस हुआ आज के ज़माने में। गाइस, मैं आपको पहला ग्राउंड तो दिखा दिया, अभी चलते हैं दूसरे ग्राउंड पे, जाके हम प्रैक्टिस करते हैं और नेट प्रैक्टिस होती है वहाँ पे, हम 19 के प्लेयर है जो हम खेल सकते हैं वहाँ पे। गाइस मैं भी लेके चलता हूँ जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। ये देख सकते हो, अब इतने सारे नेट है, कम से कम 8 से 9-10 नेट है पूरी जहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। और पीछे हॉस्पिटल भी है, अगर किसी को कुछ हो जाए तो पीछे डाक हॉस्पिटल में जा सकते हैं। गाइस ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, सेफ्टी में अगर जाओगे तो आपको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा। देख सकते हो गाइस, पूरा 8 से 10 नंबर तक नेट है जहाँ पे हम अंडर 19 की टीम प्रैक्टिस करते हैं। तो गाइस, मैंने अपना मेरा नेट, अंडर 19 का नेट दिखा दिया और अभी हम जाते हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। गाइस ये देख सकते हो, चारों तरफ लाइटिंग है, नाइट मैच भी यहाँ पे होती है। और ये जो हमारी पिच जहाँ पे हम प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, आप सामने ठीक देख सकते हो, जहाँ पे हम पवेलियन है, छोटा सा पवेलियन है लेकिन ठीक ठाक है। गाइस आप चारों तरफ ग्राउंड देख सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे बाउंड्री भी दी है रस्सी के तरह रोप वे, और लाइटिंग है, पिच है, यहाँ पे अभी पानी मारेंगे और पिच तैयार होगी, फिर हम मैच खेलेंगे। और यहाँ के देख सकते हो आजू बाजू चारों तरफ पेड़ घास, बहुत अच्छा सुंदर वातावरण है, ये चीज़ लाल में आपको देखने मिलेगी। तो गाइस, मैंने आपको दोनों ग्राउंड के बारे में बता दिया है, तो अभी आप सब देख सकते हो, अभी हम चलते हैं लाल भाई के मेन ग्राउंड पे, जो भी बहुत अच्छा स्टेडियम है, बहुत अच्छा यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ किया है। ये गाइस देख सकते हो, यहाँ पे लाल भाई स्टेडियम के कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे नाम भी लिखा है, तो बहुत ही अच्छा ग्राउंड है गाइस, देखते रहना। और आप अगर आपको यहाँ पे अगर सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप आ सकते हो कि बहुत अच्छा देख यहाँ पे, और काम भी हो रहा है, आप देख सकते हो कि देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। We'll be right back.
तो गाइस अब तक के लिए इतना ही। आइए आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस मैं वीडियो धीरे धीरे लाने वाला हूँ, क्योंकि जैसे कि पार्ट वन पार्ट टू होता है, तो अभी इतना ही, सिर्फ पार्ट वन जो है अभी इतना ही। पार्ट टू आपको पार्ट वन से भी अच्छा देखने मिलेगा, क्योंकि पार्ट वन में सिर्फ ग्राउंड के बारे में बताया, लेकिन पार्ट टू में आपको ग्राउंड भी है, उसके साथ अलग जैसे वॉलीबॉल हो गए, बास्केटबॉल हो गए, और स्विमिंग पूल हो गए, जिम हो गए, सबके बारे में बताऊंगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और आप जैसे पार्ट वन को प्यार दिए वैसे पार्ट टू को भी प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।